हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी जीरा आलू। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इनको हम सबसे पहले चॉप करेंगे। तो आप पोटैटोज़ को किसी भी शेप में काट सकते हो, यहाँ पे मैं ट्रायंगल में काट रही हूँ। तो इस तरह से आपने जो पोटैटोज़ है उनको चॉप कर लेना है सबसे पहले। और अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये जीरा आलू है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल लगेगा। तो ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे क्योंकि ये जीरा आलू है, तो जीरा थोड़ा सा भर के डालेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम कोरिएंडर सीड्स डाल देंगे और इनको हल्का सा चटकने देंगे और पोटैटो इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको हम स्टर करेंगे। देखिए पोटैटोज पर जीरे की बहुत ही अच्छी कोटिंग आ चुकी है। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें हम करियांडर पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें टर्मिक पाउडर और हल्के हाथों से इस तरह से स्टर करेंगे। और पोटैटोज़ को बॉईल करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 75% तक पोटैटोज़ को पकाना है। और यहाँ पे मैं जिंजर डाल रही हूँ। जिंजर मैंने लास्ट में डाला है इसलिए, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो हमारा जो जिंजर है वो जल जाता और हमारे पोटैटोज़ जो है वो कड़वे हो जाते। और यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स और ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल किया है। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते हो तो आप कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हो। और कसूरी मेथी यहाँ पे डाल देंगे। खटास के लिए 1/2 चम्मच आमचूर और 1/2 चम्मच इसमें हम काला नमक डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जीरा आलू का। और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से स्टर करेंगे। और देखिए हमारा जो जीरा आलू है उस पर बिल्कुल अच्छी तरह से कोटिंग आ चुकी है। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हमारा जो जीरा आलू है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप टिफ़िन में लीजिए या फिर आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं।